महाराजा लगते हैं। महाराजा जिसके पोशाक बनी हुई इनसे भिक्षा मांगे जरूर हमें देंगे। हाँ हाँ बेटी बाबूजी, अगर दया आता है तो एक गरीब को दो चार पैसे कुछ खाने के लिए दे दे बाबूजी। मालिक जी, मालिक जी, देखा हमारी जिलेबिया खैबो न कैला एक बहन के कंगल बन तंग के लगलो कहियो न कि झारखंड में कंगल जा दे रहा है। फिर कह रहा था तू, अरे कोई भिक्षा मांगने वाला गरीब है बाबूजी, बाबूजी अगर भिक्षा मांग रहा है इसी भिक्षा पिताजी। क्या बेटी? ठीक है पिताजी, तुम दानी मालिक जी हमें खाने के लिए पिताजी। हाँ हाँ बेटी, ये लोग हमें खाने के लिए ये जलेबी लेकर दिए बेटी। मालिक जी, बाबा भिखारी हैं, उनके पीछे पीछे एक कन्या है, कौन है पूछना पूछना चाहिए। हाँ हम पूछिए। ए बाबा, क्या है? कहिए बाबा। हाँ बोलिए महाराज। अपने के पीछे पीछे आ रहा लखिन है जे के अखिन बाबा, दादी नानी मौसी के लगा। अरे पागल, इतना क्यों तुम कहते हो? साफ कहो कि तुम्हारा पाछे पाछे चल रही है, आप रिश्ता में कौन लगते हैं बाबा? तू ही पूछो। ठीक है पूछता हूँ बाबा। क्या ये बताइए कि आपके पाछे पाछे साथ में भिक्षा मांगती है वो आपका रिश्ता में कौन लगती है बाबा? ये हमारे बेटी है महाराज। हमारे बेटी है। नहीं बोला जाता ना बाबा, ये बताइए। क्या बाबा? बाबा ये बताइए बाबा, आप अपनी चुके हैं कि अभी कुमारी है? ये क्या पूछते हैं महाराज? रोते क्यों हैं बाबा? रोने क्यों लगे? क्या शादी विवाह के बारे में पूछते हैं? हाँ बाबा। तो एक दुख की बात कहा नहीं जाता है महाराज, और शादी विवाह करने की बात करते हैं। क्या बात बाबा, रोते क्यों? बोलिए साफ साफ कहिए बाबा, आप अपने बच्चे को विवाह किए हैं कि नहीं? महाराज बाबा जावा के हाथ।
पार्टी को भरपेट भोजन तो मिलता नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, रहने के लिए घर द्वार नहीं, और आप शादी विवाह की बात करते हैं नाराज। मंत्री साहब बहादुर, जैसन हाला है कुटुम, जैसन मिलला हो कुटुम, जैसा हम लोग खोजते थे जैसन मिल गया। अगर जो जिलेबिया हमारे रखे तो काम हो तो नहीं, अगर हम लोग पड़ जाते तो कहां से भेंट होता। हम लोग राज उज्जैन का रहने वाला है, वहाँ का राजा के नाम राजा विक्रमादित्य सिंह है, उनका मैं मंत्री हूँ, ये द्वारपाल है। महाराज विक्रमादित्य का विचार है कि मैं गरीब की कन्या से विवाह करूंगा, इसीलिए हम दोनों गरीब को कन्या को खोजकर बर्तुई करने के लिए आया हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या अपनी पुत्री का विवाह राज उज्जैन नरेश राजा विक्रमादित्य से करना चाहते हैं? बाबा कीजिएगा। क्या महाराज, ये आपको जो राजा हुए क्या उनका ऐसा विचार है कि मैं गरीब को कन्या के साथ विवाह करूं? बाबा इसलिए तो हम लोग पर इतना दिन से एक हफ्ता से खोज रहे हैं। ये तो उनका बहुत अच्छा नेक विचार है महाराज। मैं भी चाहता हूं कि हमारा जीते जी भी बेटी का विवाह हो जाए और अपने ससुराल को चले जाए, क्योंकि महाराज ये जब पुत्री श्यान हो जाती है तो ये पिता का सिर का एक बोझ बन जाती है, और जब उस पुत्री का विवाह हो जाता है अपने ससुराल को चली जाती है तो अपने पिता का सिर का बोझ उतार देती है। इसीलिए मैं भी चाहता हूँ महाराज कि हमारे बेटी का भी विवाह हमारे जीते जी हो जाए। महाराज हमारे महाराज विक्रमादित्य से अपना पुत्री विवाह करना चाहते हैं? कहाँ महाराज, हो गया पक्का, पक्का हो गया, लड़की देख लो पाछे पाछे नहीं देख रहे हैं यही ना, और क्या बाप रे बाप, और क्या देखे दे रहे भरतू ऐसे होगा है, कैसे होता है, बुला के चला के बोला के पूछना चाहिए ना, उन्हें पूछो हमें पूछियो। बोला क्या है महाराज, मैया के जैसा देखा हूँ ना तो ठीक है, इधर आओ बेटी। क्या पिताजी, क्या पिताजी, क्या बात है पिताजी? ए आपको देखना चाहते हैं बेटी, ये शादी विवाह को बात लेकर आए हैं। क्या ऐसी बात है पिताजी? नहीं नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर शादी नहीं करूंगी, क्योंकि आपको सेवा कौन करेगा पिताजी, मैं शादी आपको छोड़कर नहीं करूंगी पिताजी। नहीं नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो बेटी, ये तो दुनिया का रीति रिवाज है कि बेटी को एक दिन ससुराल को जाना ही पड़ते हैं। बड़ी तेरी कर रहा बाबा, बोलियो बोलियो फरनान के तू विकार के सरकार तो ही ना हो जाए, हलाला पूछिए ना पूछो बुआ, आगे आवाजी सब मैया कहाँ घर हो? जाना घर जंगल में। बाबूजी के की नाम हो? गरीब दास।